मोदी के गढ़ गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुसीबत, दर्ज हुआ केस। केजरीवाल पर गांधीधाम पुलिस ने दर्ज किया केस, आचार संहिता उल्लंघन का मामला। आईपीसी की धारा 188 के तहत केस, केजरीवाल पर सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप। केजरीवाल के रोड शो में थी जरूरत से ज्यादा गाड़ियां, बिना इजाजत लाउडस्पीकर और भीड़ जुटाने पर भी एतराज। अधिकारी का वो परमिशन ने लिया नहीं लिया था तो स्पीकर बजाने के लिए और सभा पढ़ने के लिए। तो कौन कौन सी आईपीसी इसमें है सर? आईपीसी 188। तो क्या इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है सर? हाँ सर, ये तो सब कार्यवाही हो जाने के बाद, आई विटनेस हो जाने के बाद। गुजरात में आप नेता मनीष सिसोदिया भी हुए हमले का शिकार, कार पर हुआ हमला। गुजरात के हिम्मतनगर में मनीष की कार पर हमला, शीशा टूटा। हमले के बाद मनीष सिसोदिया का ट्वीट, कहा हमले से नहीं छिपेगा बीजेपी का भ्रष्टाचार। मनीष सिसोदिया की कार पर हमले के बाद केजरीवाल ने संयम बरतने की अपील की, ट्वीट कर कहा उनको हमले करने दो। आप नेता संजय सिंह का ट्वीट, कहा गुजरात में यूपी बिहार से ज्यादा गुंडागर्दी है। दिल्ली में हुए फसाद के बाद बड़ी मुश्किल, आम आदमी पार्टी को नोटिस। नई दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी ने भेजा नोटिस, आज दोपहर 3 बजे तक देना होगा जवाब। आम आदमी पार्टी पर बिना इजाजत बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन का इल्जाम, आचार संहिता उल्लंघन का मामला। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया था प्रदर्शन, जमकर हुआ था बवाल। आप बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई थी पत्थरबाजी, आप नेता आशुतोष और शाजिया इल्मी सवालों के घेरे में। आशुतोष और शाजिया से दिल्ली पुलिस ने की लंबी पूछताछ, धारा 161 के तहत बयान दर्ज किया। मंदिर मार्ग थाने में आशुतोष से हुई पूछताछ, मेडिकल टेस्ट भी हुआ। गुजरात में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मोदी के विकास के दावे झूठे। रोड शो के दौरान कच्छ में मछुआरों से मिले केजरीवाल, मुंड्रा में भी गाड़ी से उतरकर लोगों से बातचीत। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की आम आदमी पार्टी की शिकायत, बुधवार को बीजेपी दफ्तर में हुए हंगामे की सौंपी सीटी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के वकील, आज सुप्रीम कोर्ट में देंगे पेमेंट का ठोस प्लान, 20,000 करोड़ की देनदारी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च तक ठोस प्लान देने का दिया था आदेश, सहारा ने जल्दी तैयार किया प्लान। 3 रात और 3 दिन से तिहाड़ जेल में बंद है सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, जेल से जल्द निकालने की जद्दोजहद में जुटे वकील। आईपीएल फिक्सिंग में आज बड़ा दिन, मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर आज होगी सुनवाई। 10 फरवरी को सौंपी गई थी पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी की रिपोर्ट, चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स की सांसें अटकी। लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। करीब 80 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस, तय हो चुके हैं नाम। कांग्रेस चुनाव समिति की पहली और दूसरी बैठक में ही हुआ उम्मीदवारों का फैसला, आज सूची होगी जारी।
बिहार में लालू यादव को बड़ा झटका, लोकसभा में टिकट नहीं मिलने से नाराज रामकृपाल यादव ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। पाटलिपुत्र सीट पर लालू की बेटी मीसा भारती को टिकट दिए जाने से नाराज रामकृपाल, नाराज होकर छोड़ी पार्टी। आरजेडी ने 25 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, वैशाली से रघुवंश प्रसाद को टिकट। महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह को टिकट, बेतिया से रघुनाथ झा और दरभंगा से फातिमी को टिकट। 5 चंपारण में श्री रघुनाथ झा, सिवान में श्रीमती हीना साहब, महाराजगंज में श्री प्रभुनाथ सिंह, महाराजगंज में श्री प्रभुनाथ सिंह, सारण में श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार में आरजेडी का कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन, कांग्रेस के हिस्से 12 और एनसीपी को एक सीट। झारखंड में जेवीएम ने घोषित किए 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को रांची से टिकट। बिहार में लालू से हाथ मिलाने पर बोले राहुल गांधी, कहा आरजेडी से गठबंधन करना हमारी मजबूरी थी। मुंबई पहुंचे राहुल ने कबूला, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेरे स्टैंड में आया बदलाव, लेकिन मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। मोदी को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, उप विदेश मंत्री ने कहा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए किसी भी नेता का अमेरिका में स्वागत। अमेरिकी उप विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल से मोदी को लेकर पूछा गया था सवाल, बिस्वाल ने हां में दिया जवाब। वाराणसी सीट पर बीजेपी के अंदर का झगड़ा आया सामने, शहर में मुरली मनोहर जोशी के समर्थन में पोस्टर। केजरीवाल की पूर्व मंत्री और आप विधायक राखी बिरला के खिलाफ जोरदार हंगामा, मंगोलपुरी थाने में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। राखी बिरला पर पार्क में ताला जड़ने का इल्जाम, केजरीवाल और राखी की तस्वीरों पर लोगों ने उतारा गुस्सा। राखी बिरला का आरोपों से इनकार, कहा पार्क में है अवैध कब्जा, असामाजिक तत्वों का बोलबाला। गाजियाबाद के राजनगर में दिन दहाड़े बाइक सवार चार बदमाशों ने कैशियर से 80,000 लूटा, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। कोची में सोने की तस्करी का भंडाफोड़, दुबई से 5 किलो लिक्विड गोल्ड छिपाकर लेकर आया था तस्कर। एशिया कप फ्लॉप शो के बाद टीम इंडिया मुंबई लौटी, अगले हफ्ते T20 वर्ल्ड कप खेलने धोनी की कप्तानी में टीम फिर जाएगी बांग्लादेश। अपने घर रांची में युवा क्रिकेटरों को टिप्स देते नजर आए टीम इंडिया के कप्तान धोनी, स्टेडियम में जाकर दी सलाह। आईपीएल सीजन 7 की मेजबानी का सस्पेंस आज खत्म हो सकता है, आईपीएल का मौजूदा सीजन बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका में खेले जाने की उम्मीद है। फ्लोरिडा में एक बीच पर रेस्क्यू की सनसनीखेज तस्वीर, 3 बच्चे मौत के मुंह से निकले।